इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक पुलिस वाले को देखते हैं। वह भी कार में बैठा है और एक लड़की उसका गन्ना निचोड़ रही है। इस लड़की का नाम एरिका है, वह भी 17 साल की है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। वो पुलिस वाला अभी अपनी पेट्रोलिंग कार में होता है और उसने एरिका को अपने कार में बैठा लिया है। जब ये लोग रोमांस कर रहे थे तभी दो लड़कियां यहां आती हैं और इनके सुखद पलों को रिकॉर्ड कर लेती हैं। ये दोनों लड़कियां एरिका की दोस्त होती हैं और अब ये तीनों मिलकर उस पुलिस वाले को ही ब्लैकमेल करती हैं। एरिका भी माइनर है यानी 17 साल की है, जिसकी वजह से अगर ये बात बाहर आ जाती है तब इस पुलिस वाले को जेल हो जाएगी। इसलिए वो इन तीनों की बात मानकर इन्हें $400 दे देता है। एरिका कहती है ये तो बहुत कम है, तो पुलिस वाला कहता है मेरी कमाई बहुत कम है और मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया। एरिका की दोस्त पुलिस वाले की ऐसी बातों को सुनकर बहुत हंसती है। एरिका और उसकी दोस्तों का ये रोज का काम था, वो लोग इस तरह के मर्दों को एरिका की खूबसूरती के जाल में फंसाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते हैं। ये लोग उन पैसों से शॉपिंग और ढेर सारी मस्ती करते हैं और एरिका की हरकतों के बारे में उसकी माँ भी जानती थी। उसकी मॉम तो कभी उसे डांटती है तो कभी उसे प्यार से समझाती है। एरिका ने एक लिस्ट बना रखी थी जिसमें वो जिससे भी पैसे लूटती है उनका नाम और अमाउंट लिख देती है। वो अपने ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर रही थी ताकि वो अपने फादर को जेल से छुड़ा सके। वो अपनी फादर की बेल के लिए पैसे जमा कर रही थी। इसके बाद हम लोग एरिका को उसके दोस्तों के साथ क्लब में देखते हैं। यहाँ पर एरिका की नज़र एक लड़के पर जाती है। वो अपने दोस्तों से ये कहती है मैंने अभी अभी एक लड़के को देखा है जो काफी हैंडसम है। इधर एरिका की मॉम अपने नए बॉयफ्रेंड बॉब को डेट कर रही है। एरिका की मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ एरिका और अपने बॉयफ्रेंड के बेटे को लेकर आई है। बॉब के बेटे का नाम लूक है। लूक अभी 18 साल का है और वो हाल ही के दिनों में रिहैब से वापस आया है। वो एक ड्रग्स एडिक्ट था इसलिए उसे रिहैब भेजा गया था, इसलिए उसकी मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। वो अचानक यहाँ से उठकर चला जाता है। एरिका की मॉम एरिका से कहती है वो जाकर लूक को मनाए, लेकिन एरिका जाना नहीं चाहती थी। तब वो कहती है अगर तुम लूक के पास जाओगी तब मैं तुम्हें $20 दूंगी। इसके बाद एरिका लूक के पास जाती है और वो उससे कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गन्ना चूज कर तुम्हें कंफर्टेबल फील करवा सकती हूँ। एरिका की इन बातों को सुनकर लूक और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। एरिका उसे फिर से मनाने की कोशिश करती है। एरिका का ये मानना था वो किसी का भी मूड गन्ना निचोड़ कर अच्छा कर सकती हो और कोई आदमी उसकी बातों से इंकार नहीं कर सकता, लेकिन लूक तो एक सख्त लौंडा था और उसने एरिका की बातों को इंकार कर दिया था। एरिका अपने दोस्त को इसके बारे में बताती है। उसके दोस्त कहते हैं पहली बात तो ये है कि वो तुम्हारा भाई लगता है, भला अपने ही भाई के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इसके बाद हम लोग एरिका को एक लड़की से लड़ाई करते हुए देखते हैं जिससे उसे काफी चोटें आती हैं। अब एरिका की मॉम बॉब के साथ रहने लगी है। इधर एरिका भी लूक से दोस्ती बढ़ाती है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और वो उस रात में किए अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। यहाँ वो लूक को बताती है उसके फादर ने कैसीनो लूटने की कोशिश की थी और तब से वो जेल में है। लेकिन अचानक से लूक अनकंफर्टेबल होता है। असल में लूक की नज़र यहाँ पर अपने स्कूल के टीचर विल पर जाती है। विल ने पास्ट में लूक के साथ गंदी हरकतें की थी और उसने लूक का यौन शोषण किया था। बाद में लूक ने इसकी शिकायत भी की थी लेकिन उसकी कहानी पर किसी को भी भरोसा नहीं आया। इस तरह पास्ट में विल को सजा नहीं मिली थी। आज जब लूक विल को अचानक देखता है तब उसे अचानक सारी बातें याद आने लगती हैं। यहाँ एरिका की नज़र फिर से उसी हैंडसम लड़के पर पड़ती है जिसे उसने पिछली बार बॉलिंग सेंटर में देखा था। इसके बाद वो उसका पीछा करती है और उसके पोस्ट किए हुए लेटर को लेटर बॉक्स से निकालती है। इधर देर रात लूक अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। जब एरिका ये सब देखती है तब वो सभी को बुला लेती है। बॉब लूक को लेकर हॉस्पिटल आता है और वो इन लोगों से कहता है लूक अभी बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि उसके साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ है। रात में एरिका लूक के बेडरूम में जाती है और वो लूक को इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए वो उसके टीचर विल से बदला लेने के लिए तैयार है, जिससे यहाँ पर इनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एरिका ये देखती है विल वही लड़का है जिसे वो इतने दिनों से हैंडसम समझकर जगह जगह देख रही थी, यानी कि वो हैंडसम से दिखने वाला लड़का जो एरिका को बॉलिंग सेंटर में मिला था वो कोई और नहीं विल था। जब एरिका अपने दोस्तों को ये बताती है तब ये लोग सोचते हैं इस तरह से हैंडसम सा दिखने वाला लड़का बच्चों को मोलेस्ट कैसे कर सकता है। लेकिन एरिका ने तो बिल से बदला लेने की ठानी थी इसलिए वो मॉल में उसे स्टॉक करती है और वो उससे दोस्ती बढ़ाती है। रात में जब वो लूक से मिलती है तब वो उससे कहती है वो बिल से बदला जरूर लेगी। ये लोग साथ में गाने पर डांस करते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। अगली ही सुबह एरिका बॉलिंग सेंटर में विल से मिलती है और वो उसे बॉलिंग सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। विल उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तब बारिश बहुत तेज हो रही थी। एरिका के दोस्त और लूक इन दोनों की हरकतों पर नजर रख रहे थे। इनकी प्लान
प्लानिंग ऐसी ही है, जैसे ही एरिका बिल का गन्ना निचोड़ेगी ये लोग उसका वीडियो बना लेंगे और इसके बाद ये लोग फिल को ब्लैकमेल करेंगे और इस वीडियो के जरिए वो लोग उसे जेल भी भेज सकते हैं। इसके बाद एरिका बिल को एक कार में ले जाती है और ये लोग यहाँ पर रोमांस करने लगते हैं। तभी एरिका बीच में रुकती है और विल का गन्ना लेने ही वाली थी, लेकिन विल उसे बीच में रोकता है। अगली सुबह हम लोग एरिका को देखते हैं। उसे अभी समझ में नहीं आ रहा था कि कल रात उसे क्या हुआ था, क्योंकि सब कुछ तो प्लान के मुताबिक था। वो विल को वहाँ पर ट्रैप कर सकती, लेकिन उसने ही अपना आपा खो दिया। उसके दोस्त भी अब उसे ये चिढ़ाते थे कि एरिका विल को पसंद करने लगी है, लेकिन एरिका इस बात से इनकार करती है। अब इस गैंग ने एक नया प्लान बनाया है, ये लोग अब एक ड्रग डीलर को पकड़ेंगे। एरिका अपने स्कूल में एक ड्रग डीलर को चुनती है और वो उससे ड्रग हासिल करती है और उस ड्रग को बियर में मिलाकर वो बिल के घर में जाती है। बिल उसे अंदर बुलाता है। वो यहाँ पर एरिका को ये बताता है पास्ट में एक बच्चे ने उस पर मोलेस्ट करने का आरोप लगाया था, जिस वजह से उसका डिवोर्स हो गया और पर बाद में उसे फायर भी कर दिया गया था। उस ड्रिंक के पीते ही वक्त बिल को ये एहसास होता है कि इस ड्रिंक में कुछ तो मिलाया हुआ है। वो एरिका पर हावी होने ही वाला होता है। तभी लोग यहाँ पर आ जाता है और अब एरिका के दोस्त भी यहाँ पहुँच चुके थे। इसके बाद ये लोग विल के सारे कपड़े उतारते हैं और इन लड़कियों के साथ एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन विल तो अभी बेहोश है। लोग यहाँ नोटिस करता है विल की सांसें तो अभी बहुत धीमी है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये सभी लोग बहुत डरे हुए थे, इसलिए ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से जाते हुए एरिका विल के गैराज के वॉल को नोटिस करती है, जिस पर एक वर्ड लिखा हुआ था जिसका मतलब है चाइल्ड मोलेस्टर। अगली सुबह पुलिस एरिका के घर पहुँचती है और यहाँ पर आकर पुलिस एरिका और उसके दोस्तों पर वंडलिज्म का आरोप लगाती है, लेकिन एरिका इन सबसे इनकार करती है। पुलिस बताती है अब तक उनकी बात विल से नहीं हो पाई है। इसके बाद एरिका और लोग विल के घर में जाते हैं। वो लोग ये कंफर्म करना चाहते थे विल ठीक है या नहीं। लोग यहाँ आकर देखते हैं विल अभी भी सोफे पर उसी पोजीशन में लेटा हुआ है। जब ये लोग पास जाकर देखते हैं तब ये लोग पाते हैं विल को बैक में स्टैब किया गया है। ये देखकर एरिका और लोग यहाँ से भागते हैं। भागते हुए ये दोनों मैक्सिको की तरफ जाते हैं। जब ये लोग जा रहे होते हैं तब लोग एक सीक्रेट बताता है। वो कहता है विल ने कभी मेरा यौन शोषण नहीं किया था, लेकिन हाँ उसने मेरे एक क्लासमेट के साथ वैसा किया था। मेरा दोस्त अपना नाम नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने अपना नाम इन सब में डाल दिया था और बिल से बदला लेने की सोची। एरिका को ऐसा लगता है लूक बहुत अच्छा लड़का है। लूक एरिका को सरप्राइज करते हुए वहां ले आता है जहां एरिका के फादर हैं। एरिका अपने फादर से मिलने के लिए जेल में जाती है। यहां कर उसे ये पता चलता है उसके फादर को तो कुछ दिन पहले ही छोड़ दिया गया है। एरिका सोचती है कि उसके फादर ने जेल से छूटने के बाद उससे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया। एरिका इस बात से बहुत डिस्टर्ब होती है। जब ये लोग यहां से निकलते हैं तब ये लोग देखते हैं पुलिस इनका पीछा कर रही है। ये दोनों पुलिस को उन रास्तों पर भटकाते हैं। यहां पर लूक एरिका से ये कहता है वो काफी समय से उसे पसंद करता है। एरिका भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और इसके बाद ये लोग कार रोककर यहीं पर झाड़ियों में घपाघप करते हैं। फिर पुलिस यहाँ पहुंच जाती है। अब इन सभी चीजों को एक महीने बीत चुके हैं। लोग को जेल में रखा गया है और एरिका उससे मिलने के लिए आती है। एरिका उसे बताती है इन दोनों के क्राइम की वजह से एरिका को भी हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा, लेकिन अब इन दोनों को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिका ने लोग के नाम का ब्रेसलेट भी पहन रखा है और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में ये नहीं बताया जाता कि विल की मौत कैसे होती है, लेकिन हमें ये देखकर समझ में आता है कि जो लोग विल के घर में गए थे उन्हीं में से एक ने विल को मार दिया है, या फिर हो सकता है लोग ने ही विल को मार डाला है वो, जिसकी सजा लूक और एरिका को मिलती है। आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो।